कोई बात नहीं। क्वेश्चन फोर देखो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज माइनस नाइन। उसने बोला है कि हमारे पास दो नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट आता है माइनस नाइन, मतलब मुझको इक्वल टू के बाद में क्या आता है ये पहले से मालूम है। समझ में आ रहा आपको? उसने बोला है दो नंबर का प्रोडक्ट, अगर आप किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करो या फिर ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, उसका जो भी आंसर आता है वो हम लोग कहां पे लिखते हैं, इक्वल टू के उस पर। मतलब उसको इतना मालूम है कि दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन का आंसर माइनस नाइन आ रहा है, तो मैंने इक्वल टू माइनस नाइन लिख दिया। इफ वन ऑफ द नंबर इज माइनस ट्वेल्व, एक नंबर जो है वो है माइनस ट्वेल्व, प्रोडक्ट बोला है ना, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आंसर माइनस नाइन आता है, ऐसा उसका कहना है। बट उसने दिया एक ही नंबर है, दूसरा नंबर उसको मालूम नहीं है, तो आप क्या करोगे, लेट अनादर नंबर बी एक्स, आप दूसरे नंबर को एक्स ले लो। समझ में आया कि मैंने कैसे किया है? यस और नो? आ गया सभी को समझ में मैंने यहां पे क्या किया है? यस और नो? राइट इन चैट बॉक्स। यस सर, वेरी गुड। तो हमने यहां पे क्या किया, उसने बोला था दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन माइनस नाइन आता है, तो मैंने इक्वल टू के बाद माइनस नाइन लिख दिया। उसके बाद उसने बोला कि एक नंबर उसको मालूम है जो कि माइनस ट्वेल्व है, और दूसरा नंबर आपको मालूम नहीं है, वो निकालना, तो मैंने उसको कंसिडर कर लिया एक्स। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब भी आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो उसके साथ जो भी नंबर है उनको इक्वल टू के उस साइड में भेज दो। इसके साथ में मल्टीप्लाई में एक नंबर है माइनस ट्वेल्व, अगर वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उधर जाने पर वो हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक्स इज इक्वल टू माइनस नाइन बाय माइनस ट्वेल्व। उसके साइन के साथ में उसको लेके जाना, साइन को इधर ही मत छोड़ देना, ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखो। कभी भी इधर की टर्म उधर जाएगी अगर मल्टीप्लाई वाली डिवीजन में जा रही है, या फिर डिवीजन वाली मल्टीप्लाई में जा रही है तो उसके साइन के साथ में जाएंगी, और इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको माइनस लिखा हुआ। सॉल्व करो, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, मेरे पास आंसर निकल के आना चाहिए थ्री बाय फोर। सभी का आंसर आया क्या, थ्री बाय फोर आया? समझ में सभी को? यस, वेरी गुड, सभी का आंसर थ्री बाय फोर आ रहा है, मतलब आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको बाद में लिख लेना। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन लेना है इसके बाद बताओ, फोर्थ हो गया, और कौन सा क्वेश्चन लेना है, सिक्स्थ वाला? चलो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, सभी क्वेश्चन लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होगा। बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, उसने बोला है कि कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, किसको, माइनस 15 बाय 56 को। देखो समझ में आ रहा है, जैसे वो बोलता है ना मैं वैसे लिखता हूं, मैं कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाता। उसने क्या बोला, बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, हमने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए माइनस 15 बाय 56 को। तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन दे दिया, उस नंबर को लिख दिया टू गेट, ताकि हमको मिले क्या मिले, माइनस 5 बाय 6 को। क्या मिले तो क्या पे मिलता है हमको, इक्वल टू उस पार मिलता है, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया माइनस 5 बाय 7। यहां तक समझ में आया कि सभी को दिक्कत है? समझ लिया आप लोगों ने ये मैंने कैसे किया है? नहीं समझा? समझ में आया, चलो फिर से बताता हूं। उसने बोला था बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें माइनस 15 बाय 56 को। मल्टीप्लाई करने की बात आई इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया माइनस 15 बाय 56। कौन से नंबर से करें ये तो मेरे को मालूम नहीं है, और देखेंगे सामने। टू गेट काय के लिए मल्टीप्लाई करें, टू गेट माइनस 5 बाय 7, तो हमको जो आंसर मिलता है वो हमेशा इक्वल टू के उस साइड में मिलता है, इसीलिए मैंने इक्वल टू करके उस आंसर को लिख दिया। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसको मैं क्या लेता हूँ, एक्स को यहाँ पे ऊपर लिख दोगे। लेट फिर से वही स्टेटमेंट, अनादर नंबर बी एक्स, दूसरा नंबर मैंने फिर से एक्स ले लिया है, और इसको फिर से सॉल्व करूंगा, एक्स के साथ जो भी टर्म है इसको इक्वल टू के उस पार लेके जाओ, जो टर्म इधर ऊपर है उधर जाएगी नीचे हो जाएगी, जो टर्म यहाँ पे नीचे है
उधर जाने के बाद ऊपर चले जाएगी, तो यहां भी बचेगा x इज इक्वल टू माइनस 5/7 एज इट इज, नीचे वाला 56 चला गया ऊपर मतलब यहां पे, और ऊपर वाला 15 चला गया उसके साइन के साथ नीचे, ठीक है, उसका साइन भी उसके साथ में भेज देना इक्वल टू के उस साइन। अभी देखो इसमें क्या डिवीजन हो रहा है, तो देखो ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, वो तो कैंसिल हो गया, 5 1 5 5 3 15, 7 1 7 7 8 56, ठीक है, तो हमारे पास ऊपर बच रहा है 8 और नीचे बच रहा है 3, तो मेरा आंसर आया 8/3। सभी का आंसर सेम ही आया है क्या, 8/3 आ गया सभी को समझ में, है ना सिंपल, तो काफी इजी है। अब इसी तरह से बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को भी कर लेना, कोई क्वेश्चन है क्या इसके अलावा जो आपको नहीं समझा है, और भी आपने करके देखा और आपको नहीं आया ऐसा और भी कोई क्वेश्चन है एक्सरसाइज में है तो वो भी बता देता हूं मैं, नो बाकी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, चलो टेंथ वाला क्वेश्चन नहीं आया है तो टेंथ वाला भी आपके लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बाकी एक्सरसाइज आप घर पे कर लोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको फिर बाद में अपने रजिस्टर में लिख लेना। देखो अभी टेंथ वाला वो भी उतना ही सिंपल है, डिवाइड द सम ऑफ, अभी वो जैसे बोलता है ना वैसे ही करना है, कुछ भी हमको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डिवाइड द सम ऑफ, अभी सम बोला है तो सम का मतलब सभी को मालूम है प्लस, है ना, तो मैं प्लस करता हूँ, देखो कुछ भी दिमाग नहीं लगाता हूँ मैं, बहुत ही इजी हो जाता है मेरे लिए, डिवाइड द सम ऑफ, सम बोला है तो सम का साइन दे दिया, किसकी सम, 65/12 प्लस 8/3, ठीक है, ऐसा उसने बोला है, डिवाइड द सम ऑफ, इसकी सम को डिवाइड करो बोल रहा है ना, तो इसको मैं डिवाइड का साइन दे देता हूं, समझ में आया कि मैंने कैसे किया है, ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा है, यस और नो, यस, उसने बोला है डिवाइड द सम ऑफ, तो इसको सम को डिवाइड करो, तो सम कर ली डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड करो, बाय देयर डिफरेंस, उन्हीं के डिफरेंस से डिवाइड करो, उन्हीं का डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस मतलब सबट्रैक्शन, तो यहां पे लिख दोगे 65/12 - 8/3, समझ में आ गया मैंने क्वेश्चन को कैसे अरेंज किया है, सभी को यस और नो, यस वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया। अभी जो इसको सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना हमको आता है, इसका पहले एलसीएम ले लोगे, बताओ एलसीएम क्या आना चाहिए इसका, पहले दोनों नंबर का एलसीएम क्या आएगा, क्योंकि प्लस माइनस है तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में एलसीएम की जरूरत नहीं होती है, कंफ्यूज मत होना, दोनों का एलसीएम मेरा आ गया 12, इधर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, 12 1 12 है तो 65 भी एज इट इज ही रहेगा, 3 4 का 12 होता है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है, तो 8 को भी 4 से करना पड़ेगा, 8 4 का कितना होता है, बराबर है, 8 4 का हमारे पास आया 32, डिवीजन का साइन है उसको एज इट इज रखो, क्योंकि हम लोग पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं सभी को मालूम है, तो ब्रैकेट को कर लेते हैं सॉल्व, इधर भी आपका एलसीएम सेम ही आने वाला है 12 65 एज इट इज, और इधर भी हमारा आएगा -32, करो इसको सॉल्व, 5 + 2 हो गया हमारे पास 7, 6 + 3 हो गए 9, और ये हो गया 97/12 डिवाइडेड बाय, इधर भी चेक करो 5 में से 2 गए 3, 6 में से 3 गए 3, तो 33/12 ऐसा हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अभी इसमें देखो कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लो, या फिर सीधा सीधा इसको सॉल्व कर लो, 97/12 डिवाइड की जगह पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो सामने वाली टर्म का हम लोग ले लेते हैं रेसिप्रोकल, सभी को मालूम है 97/12 को एज इट इज रख दिया मैंने और डिविजन की जगह पे लिख दिया मल्टीप्लाई, और सामने वाली टर्म को रेसिप्रोकल कर देना है, समझ में आ रहा है सभी को, यस और नो, कोई दिक्कत है क्या, नो वेरी, चलो इसको सॉल्व करते हैं, 12 12 तो कैंसिल हो गया दोनों जगह पे है कॉमन, और 97 और 33 इन दो नंबर में ऐसा कोई नंबर है क्या जिससे डिवाइड हो सकता है, बताओ ऐसा कोई नंबर है जिससे 97 को भी और 33 को भी डिवाइड किया जा सकता हो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ पे सिंपली क्या आना चाहिए 97/33, समझ में आ गया सभी को क्वेश्चन, यस 97/33 इज द आंसर, वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, काफी होशियार हो आप लोग, आ रहा है समझ में,
तो एक्सरसाइज को सॉल्व कर लोगे आप लोग, एक्सरसाइज कर लोगे, सिंपल है ना। तो इतने अच्छे से आपको समझ में आ रहा है तो मैथ्स में इस बार आउट ऑफ मार्क मिलेगी क्या सभी को? काफी होशियार हो आप लोग, मिलने चाहिए। यस और नो, मिलेंगे क्या? मिलेंगे, वेरी गुड। चलो उसके बाद हमको देखना है एक्सरसाइज, आई विल ट्राई माय बेस्ट, वेरी गुड। पूरा एक्सरसाइज करना है क्या सर? हाँ करना तो पड़ेगा ना, एक्सरसाइज तो आप ही को करना है, जो नहीं आता वो मैं बता दूँ, ठीक है? तो कर लोगे सभी एक्सरसाइज को घर पे, उसके बाद देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1F। यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, ये लिखना है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो और रजिस्टर में लिख के रख देना। अभी हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1F, उसमें भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चन है, वो भी सिंपल ही है, ठीक है? ध्यान दो, एक्सरसाइज है हमारा 1F एक्सरसाइज। अभी चलो ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन देखता हूं, अच्छे से ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन भी खुद ही आपको क्रिएट करना है, जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसका यूज करके, और उसको सॉल्व भी आप ही को करना है। थोड़ा अच्छे से ध्यान दो, अच्छे से आपको ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा, काफी सिंपल है। देखो, अ बास्केट कंटेन 3 types ऑफ फ्रूट, मेरे पास एक बास्केट है और उसके अंदर 3 types के फ्रूट्स हैं, वेगिंग 19 1/3 kg इन ऑल, सबके एडिशन मतलब तीनों तरह के फ्रूट मिलके कितने हो रहे हैं? 19 1/3 हो रहे हैं। इफ 8 1/9 kg ऑफ दीज बी एपल्स and 3 1/6 kg be orange and the rest are pears, what is the weight of pears in the basket? तो तीनों की addition आपकी आनी चाहिए 19 1/3। तो मैं उसी तरह से question को लिख लेता हूँ। Third, पहला वाला मेरे को पता नहीं है ना, pears की quantity मुझको मालूम नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ weight of pears बी एक्स, एक्स मैंने यहां पे ले लिया क्योंकि मुझे वेग ऑफ पियर्स मालूम ही नहीं है, तो उसको मैंने एक्स ले लिया। उसके बाद एप्पल का वेग मुझको मालूम है कितना है, 8 1/9 है, तो उसको मैंने एज इट इज यहां पे लिख दिया। उसके बाद दूसरा है ऑरेंज, उसका वेग भी मुझको मालूम है 3 1/6, और पियर्स का वेग मुझको मालूम नहीं है, तो उसको मैं लिख लेता हूं एक्स, और इन सब की एडिशन आनी चाहिए 19 1/3। समझ में आएगा सभी को क्वेश्चन मैंने कैसे लिखा है यहां पर? यस और नो, सभी को आया? यस, वेरी गुड। हमने क्या किया, उसने बोला था कि हमारे बास्केट के अंदर 3 types के फ्रूट्स है और उन सब की एडिशन इतनी आनी चाहिए, उसमें से 2 का वेट हमको दिया हुआ था तो दोनों का मैंने लिख दिया, बट तीसरे का वेट उसको मालूम नहीं है, तो तीसरे के वेट के जगह पे हम लोग कंसिडर करेंगे फिलहाल के लिए एक्स, और इसको सॉल्व करके फिर चेक करेंगे कि इस एक्स की वैल्यू क्या है। तो करो, पहले तो इसको मैं रिअरेंज कर लेता हूं, 9 8 जा, ये आपको सॉल्व करना आता है ना, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना, 9 8 जा ये हो गया 72 है ना, और 1 मतलब ये हो जाएगा 73/9। कोई दिक्कत है इसमें आपको? ये सभी को करना आता है मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट। Yes, very good. सामने भी सॉल्व करो, हाँ 6 3 18 18 plus 1 19 by 6 plus x as it is, इधर भी सॉल्व करो, 19 3 कितना होता है बताओ, टेबल्स लाना है सभी को, 19 3 57 plus 1 कितने हुए 58/3। x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों नंबर को इक्वल टू के उस पार भेज देंगे, बट पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं है ना, या फिर उसको भेजने के बाद भी कर सकते हो, बट यहीं पे कर लेते हो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। दोनों का एलसीएम क्या आएगा बताओ, 9 and 6 का 18, वेरी गुड, दोनों का एलसीएम आपका 18 आना चाहिए, 18 हो जाएगा आपका एलसीएम। 9 2 किया है तो 73 को भी 2 से करना पड़ेगा, 2 3 6 and 7 3 7 2 14 बराबर है 146, चेक करते जाओ। उसके बाद 6 3 किया है तो 19 3 57 अभी हमने देखा था plus x equal to 58/3। समझ में आया यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है ना? यस, वेरी गुड। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करो क्या आएगा ऊपर बताओ,
क्या क्या एडिशन आपने कितना आ रहा है बताओ, इसका एडिशन कितना आता है 203, सभी का आ रहा है क्या? सही है 203, ये हमारा आंसर आया ऊपर। हाँ, और ये टर्म x के साथ प्लस में है, इक्वल टू के उस साइड में जाएगी तो वो टर्म माइनस हो जाएगी, तो यहां पे मेरे पास आ रहा है, यहां पे मेरे पास जो टर्म है उसको इक्वल टू के उस साइड में लेके जाता हूं, तो मेरे पास बचेगा x इज इक्वल टू 58/3 और ये उधर चला गया तो -203/18। समझ में आया क्या सभी को? इसकी साइन फिलहाल यहां पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस होगी, और इक्वल टू के उस साइड में अगर वो ट्रांसफर हो जाता है तो उसकी साइन चेंज होके माइनस हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें? इसके बाद फिर से एलसीएम निकालो, क्या आएगा एलसीएम दोनों का बताओ? 18, वेरी गुड, एलसीएम आ जाएगा 18। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 18 आता है, तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करो 58 को 6 से मल्टीप्लाई, बराबर है क्या? 348 आ रहा है, यस बराबर है, और उसमें से 203 को माइनस कर दो तो आपकी x की वैल्यू निकलेगी, तो x की वैल्यू आपकी आनी चाहिए 8 में से 3 गए 5, उसके बाद 34 में से 20 गए तो 145/18। ऐसे आंसर आ रहा है क्या सभी का? यस। इसमें कुछ कट होता है क्या? देखो 5 + 1 = 6, 6 + 4 = 10, मतलब ये इसकी एडिशन 3 के टेबल में नहीं आती है, तो उसमें कुछ भी वहां पे कैंसिल आउट नहीं होगा, है ना? और कोई नंबर से डिवीजन हो सकता है क्या? कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। सर मैं एक्सरसाइज में से क्वेश्चन टिक कर रहे हैं क्या? बिकॉज उसमें 20 क्वेश्चन है, आपको उसमें से 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना? पहले 10 क्वेश्चन आ गया आपको समझ में? तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है 145/18, अगर किसी नंबर से वहां पे डिवीजन होता होगा तो उसको आप डिवाइड करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा देना, ठीक है? मिक्स फ्रैक्शन में आंसर चाहिए तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा सकते हो, ये आपको आता ही है, और उसका आंसर कितना आएगा 81/18, इस तरह से आपका आंसर वहां पे आ जाएगा, क्योंकि 18 8 = 144 होता है, 144 में और 1 ऐड कर दोगे तो 145, तो हमारा आंसर बन जाएगा 81/18। आ गया सभी को समझ में? कोई दिक्कत है उसमें? कोई डाउट है क्या? नो, वेरी गुड। तो आप एक्सरसाइज 1G को करके देख पाओगे घर पे? एक्सरसाइज आपके लिए तो आज होमवर्क काफी ज्यादा है, एक्सरसाइज 1E जिनकी बाकी थी वो कंप्लीट कर लेना, उसके बाद 1F उनको करना है, 1G भी करनी है, और 1H में जो आपके MC